हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज मी साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं वाराणसी के व्लॉग पर, और ये है कर्ली टेल्स का, और इसका टाइटल है जानीज 48 आवर्स। सो आज इस पर हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि वाराणसी सिटी जो है वो कैसी है। बेसिकली मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्रिकल भी है, काफ़ी पुरानी सिटी भी है और इसमें बहुत सारे राज भी छुपे हुए हैं। सो बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट अराइव्ड इन वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरा पहली बार है इस शहर में, एंड दिस सिटी इज नोन फॉर इट्स ऑसम कॉम्बिनेशन ऑफ कला एंड कल्चर। और इस बार मैं अपने साथ लाई हूँ टेक्नो स्पार्क पार, जिससे मैं बहुत सारी फोटोज खींचने वाली हूँ और इस सिटी को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तो ऐड है भाई, टेक्नो स्पार्क तो दुनिया भर में बनारस अपनी बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है। तो मैं आ गई हूँ गोलगड्डा अलाईपुर में, जहाँ हैंडलूम साड़ीज वीव होती है, मशीन में बनती है, और इस पूरे इलाके में आपको ऐसी कुछ आवाज सुनाई देगी। मशीन की Wow, I can't believe यहाँ एक एक साड़ी बिल्कुल हाथ से बनाई जाती है, from putting the cloth together to the embroidery. You know, the weave is so fine and intricate. In fact, you know, it takes years to master the art. And ये काम जो है कई generation से चलता आ रहा है। No wonder then बनारसी साड़ी आज भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है। Well, I couldn't resist trying this, and look at how beautiful this is. I love the color and the detailing in the work. Tomato chaat and सच में वाराणसी की गलियों में खाना एक्सप्लोर करने की कोई अलग ही बात है। नाउ आई एम एट काशी चाट भंडार, जहाँ मैं ट्राई करने वाली हूँ टमाटर चाट और चूरा मटर। वाओ, इट्स फाइनली हियर एंड इट लुक्स रियली गुड एंड ऑथेंटिक। मतलब ये एक जो कुल्लड़ वाली चाय होती है उसमें टमाटर की चाट, ये टमाटर चाट है और ये चूरा मटर। लेट्स ट्राई। You know, this tastes like पाव भाजी होती है ना, पाव भाजी को चटपटा फ्लेवर दे दिया हो with अनार चटनी, lots of ghee and butter. Too good. Yum yum. अब बारी आती है चूरा मटर की। You know, चूरा मटर बिल्कुल पोहा खाया है आपने कभी? पोहा का रॉक एंड रोल वर्जन है ये, फुल्ली चटपट। वाराणसी में कई सारे घाट हैं, अप्रॉक्सीमेटली 87, जिनमें कुछ जाने माने नाम हैं, जैसे 80 घाट, दरभंगा घाट, मणिकर्णिका घाट, गंगा महल घाट और दशाश्वमेध घाट। तो ये है दशाश्वमेध घाट, विच इज वन ऑफ द मेन घाट, और यहाँ सनसेट के बाद होती है गंगा आरती। इट्स इम्पॉर्टेंट कि यहाँ आप जल्दी पहुंच जाए, बिकॉज इट गेट्स टू क्राउडेड। मैं सोच रही हूँ बोट लेकर एक गंगा आरती एंजॉय करूँ। पानी में डालकर करते हैं ना,
right? And so is my techno spa power. Everywhere's techno. A key advertisement. Beautiful, colorful. सारे देश शंख की आवाज, आई जस्ट थिंक सच अ मैजिकल एक्सपीरियंस. मंत्र उच्चारण हो रहा है, विच इज द चैंटिंग ऑफ मंत्रास. आई थिंक यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस इफ यू एवर कम टू वाराणसी. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. ये गंगा आरती कोई थिएट्रिकल से कम नहीं. सब कुछ इतना ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज तरीके से होता है एंड नो वंडर देन यू सी सो मेनी पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू कम एंड एंजॉय द शो. क्लियरली वाराणसी के कई सारे रस हैं. कल जाएंगे हम कुछ और रसों का आनंद लेने. सो ट्रू. कचोरीज आर रेडी. वाराणसी इज नोन फॉर इट्स कचोरी. छोटी कचोरी दी है चने के साथ, बड़ी कचोरी दी है सब्जी के साथ एंड जलेबी फॉर ब्रेकफास्ट. कैन इट गेट बेटर देन दिस एंड ऑल्सो देसी. आई कांट वेट टू डिग इट. बहुत बढ़िया. वेल आफ्टर दैट डिलिशियस ब्रेकफास्ट अब बारी आती है मलाइयों की. मैं आ गई हूँ श्रीजी स्वीट्स एंड मिल्क में और सुना है वाराणसी में सबसे अच्छे मलाइयों यही मिलती है. भैया एक प्लेट देना मलाइयों. मलाइयों मिल्क से मेरे ख्याल से ये बनाई जाती है. तो बहुत रश है. मुझे यहाँ एक अच्छी सीट मिल गई है पंडित जी के बाजू में जहाँ मैं इंजॉय कर रही हूँ मलाइयों. अब दिखने में तो ये बहुत हैवी लगता है बट एक्चुअली इतना हैवी है नहीं. खाने में बड़ा ही लाइट है. सी इफ यू कैन सी द टेक्सचर, इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट. अब पेट पूजा के बाद मैं जानना चाहूंगी बनारस के म्यूजिक और परंपरा के बारे में. सुना है बनारस की हवाओं में ही धुन है. सुन लो तो बस उसी में रम जाओगे. बनारस ऑल्सो लव्स इट्स म्यूजिक. और आज मैं आई हूँ पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी के घर पे टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट म्यूजिक. और मैं बैठी हूँ मिस्टर राजेश मिश्रा जी के साथ टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट घराना. तो बताइए कुछ मुझे घराना के बारे में. जी, घरानों का मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल.
तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे तबले में बहुत सारे घराने हैं, वोकल में भी बहुत सारे घराने हैं। बनारस में जो खासियत ये है कि अन्य घरानों से इसमें आपको तो मटेरियल ज़्यादा मिलेगा, और सब घरानों में लिमिट होता है, लेकिन यह कोई लिमिट नहीं, अनलिमिट है ये बनारस घराना। तो आप कुछ प्लीज बजा कर बताइए। Music, kala or culture. It's true that there's no other place like Varanasi. And सच में यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। I'm taking back some music lessons as well as beautiful memories. And remember, you too can pack your bags and enjoy a lovely and a spiritual journey to Varanasi. If you enjoyed watching this video, remember to like, share and subscribe to Curly Tales. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off. बताया है ना वाराणसी के बारे में, ये बहुत ही अच्छा एक व्लॉग भी है, दैट इज इसमें मलाइयों के बारे में बताया है, कचौड़ी के बारे में बताया है, और टमाटर की चाट के बारे में बताया। सो मुझे मतलब ये सारी डिफरेंट डिफरेंट डिशेज हैं जो इनमें से मैंने एक भी डिश ट्राई नहीं की है अभी तक। सो आप लोगों ने कभी ट्राई किए ही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मलाइयों मतलब कि मुझे लग रहा है मिल्क का कुछ सब्सटीट्यूट होगा, और जो टमाटो का है वो बता रही थी कि चटपटा लाइक डोसा का, जो डोसा नहीं पाव भाजी का जो उनसा मिक्सचर होता है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी चटपटा कर दिया जाए तो ये उस वो सिमिलर लग रहा है। खाने पीने की बात कर ली जाए तो इनका खाना पीना मतलब लाइक टमाटर की चटनी और ये चाट और ये सारा बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर करें वाराणसी में जो मैंने चीज़ को फील किया है, बेसिकली वाराणसी एक बहुत ही पुराना शहर है और काफ़ी खूबसूरत है, ट्रेडिशनल, और इसकी साड़ी देख लें आप, बनारसी साड़ी बहुत अच्छी है, लाइक काम वहाँ पर बनारसी साड़ी का होता है, जो कि दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस साड़ी भी है। इवन दो मेरी जो वालदा हैं वो भी पहनती थी बनारसी ड्रेस वगैरह, और काफ़ी खूबसूरत होते हैं। अच्छा अगर बात कर लें यहाँ के लोगों की, तो काफ़ी मेहनत करने वाले लोग हैं। इवन दो मैंने एक एजेड अंकल को देखा, उन्होंने यहाँ पर वो इतनी सारी बुक्स पता नहीं क्या चीज़ें उठाई हुई थी और वो जा रहे थे। सो इससे मुझे ये फील हुआ कि यार देखो कितनी स्ट्रगल करते हैं ना ये लोग, कितनी मेहनत करके अब इस एज में भी वो काम कर रहे हैं। सो खुशी भी होती है और उनको देखकर, लेकिन ये है कि इस एज में उनको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हिम्मत है, उनका स्टैमिना है कि वो अभी तक काम कर रहे हैं। और बाकी मंदिर की बात करें तो वहाँ पर पूजा हो रही थी, इतना कलरफुल और सब लोग इकट्ठे, और बहुत ही अच्छा सा एक व्यू, लाइक रात का टाइम और रोशनी, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत जो व्यू था ना वो नज़र आ रहा था, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। और पर से वो दिए को जब जलते हुए दिए को पानी में बहाते हैं तो वो कितना प्यारा लगता है, लिटरली मुझे बहुत पसंद है। सो आप लोगों को कैसा लगता है यह मुझे कमेंट बताइएगा। और इन्होंने टेक्नो के बारे में, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टेक्नो स्पार्क के बारे में ये ऐड दे रही हैं, सो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ऐड दिया, लाइक किसी को इतना फील भी ना हुआ, और इन्होंने लाइक हर मोमेंट को कैप्चर किया सेलफोन से और बार बार दिखा रहे थे। सो अच्छी वीडियो थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो भी थी। अगर आप जैसे ट्रिप करना चाहते हैं, आप वाराणसी जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, लाइक वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का खाना, वहाँ का व्यू। और वैसे भी मैंने सुना है कि वाराणसी बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा, और अट्रैक्टिव जगह भी है, और मैंने इसकी वीडियो पर रिएक्शन भी ऑलरेडी दे दिया है, आप वो भी चेक ज़रूर कीजिएगा। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।